नमस्कारम। एक प्रश्न है कि मोक्ष होता है या नहीं, मुक्ति होती है या नहीं, या यूं ही लोग मोक्ष के पीछे पागल है, पागल की तरह भटक रहे हैं इधर से उधर अध्यात्म में, अपने घर द्वार बिजनेस नौकरी ये सब छोड़ छाड़ के सब इधर उधर भटक रहे हैं, जंगलों में पहाड़ों में पर्वतों में, मोक्ष है भी या नहीं है, किसी का प्रश्न है। या महाभारत रामायणों में ये सब हिंदुओं के शास्त्र में जो भी लिखी गई है, महाभारत रामायण पाठ भगवत पाठ होते जा रहा है, तो कोई है या बस यूं ही पृथ्वी पर कुछ लोग आए अपने समाज से लिख दिए और ये भगवत पाठ रामायण ये सब बस हो रहा है, कर्मकांड बस किए जा रहे हैं, ये सब वास्तविकता क्या है, मोक्ष होता भी है या बस ऐसे ही होता है या क्या है एक्चुअली, आप मुझे समझाइए होता है या नहीं होता मोक्ष। तो देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, मोक्ष उसके लिए है जिसके अंदर अभी बंधन है। अगर आपके अंदर कोई बंधन है तो आपके लिए कोई मोक्ष भी है। अगर आपके अंदर कोई बंधन खत्म हो गया यानी कि मोक्ष नहीं है, बात समझिएगा। बंधन क्या है, जैसे आपको कोई भी बंधन, मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगी, ये भी एक बंधन है, एक डर है, मृत्यु की डर है, यानी बंधन है, ये इसका मतलब है कि मोक्ष भी है, मुक्ति भी है। सिंपल तरीका से समझने की कोशिश करें, आपके शरीर में जब कोई बीमारी हो जाती है तो जब बीमारी से आपको छुटकारा मिलती है तो आप क्या कहते हैं, चलो मुझे बीमारी से मुक्ति मिली, मुझे बीमारी से छुटकारा मिली, क्योंकि वो बीमारी एक आपके लिए बंधन था। किसी के जीवन में पैसे की ज़रूरत है और उसको पैसा मिल गया तो वो क्या कहता है, चलो मुझे गरीबी से मुक्ति मिली, गरीबी से मुझे छुटकारा मुक्ति मिली, मुझे मोक्ष मिला, एक बंधन है। किसी व्यक्ति को किसी कारणवश कोई केस में फंसा और वो जेल में है तो भी बंधन महसूस करता है। स्थूल जगह पे समझनी है, स्थूल स्तर पर समझने की कोशिश कीजिए, तो जेल से निकलता है तो भी कहता है मैं मुक्त हो गया, मुझे मुक्ति मिली, जेल से मुक्ति मिली। इसी प्रकार से आपके अंदर जो जीव है वो भी तो बंधन में है, वो भी तो जेल में है, वो भी तो अपने कर्मों के बहुत सारे कर्मों के बंधन में है। तो अब बंधन कैसे, बंधन कुछ भी बंधन, अब आपके अंदर में कोई दुख सुख ये भी बंधन है, सुख भी बंधन है, पॉजिटिव थॉट्स ये भी बंधन है, नेगेटिव थॉट्स ये भी बंधन है, मैं मर जाऊंगा ये भी एक बंधन है, मुझे ये करना है मुझे वो करना है ये भी एक बंधन है। क्यों करना है, क्योंकि तुम जेल में हो और जेल से निकलना चाहते हो, खुले आसमान में उड़ना चाहते हो, इसीलिए तो तुम परेशान हो, कुछ ना कुछ करना चाहते हो। तुम्हें लग रहा है मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँगा तो मैं आज़ाद हो जाऊँगा, बहुत सारे सुख वैभव मुझे मिलेंगे, बहुत सारे स्त्रियों के साथ भोग विलास कर पाऊँगा, वर्ल्ड टूर करूँगा, बड़े बड़े घर बनाऊँगा, ऑटोग्राफी मेरे लेंगे लोग, मेरे बायोग्राफी पढ़ेंगे लोग, मुझे फ़ोटो खींचेंगे, हर जगह मेरी चर्चाएँ होगी, मैं टेलीविज़न पर आऊँगा। ये सब क्या है, ये सब करने की वृत्ति कहाँ से आ रही है, आपके अंदर में प्रवृत्ति जो है ये सब क्या है, क्या वो आपके अंदर है जो फोर्स कर रहा है ये सब करने के लिए, कहीं ना कहीं आपके अंदर बंधन है। तो इन बंधनों से, इन बेड़ियों से आप मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन कैसे होना चाहते हैं, भौतिकी जगत पे भौतिकी कामों के द्वारा, आप कोई बड़े ऑफिसर बनकर, कोई जज बनकर, कोई मिनिस्टर बनकर, कोई राजनेता बनकर, अच्छे टीचर बनकर, अच्छे प्रोफेसर बनकर, अच्छे हस्बैंड अच्छी पत्नी बनकर, बहुत सारे आपके पास सूत्र है तरीकाएँ हैं जिसे कर कर आप बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि आप जो कुछ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, वो क्या प्रेरणा है, अंदर तो कुछ प्रेरणा है, कुछ मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कुछ बंधन है, वो जो जीव बंधन महसूस कर रहा है वो मुक्त होना चाहता है। जैसे कि जेल में कोई है और जेल में है तो उसके उसको लेकर
कोर्ट में तारीख पे तारीख केस फाइल करते हैं, केस चलती है उसके परिवार वाले, क्योंकि वो बंधन में, उसको निकालना चाहते हैं, वो भी निकलना चाहता है। तो इसी तरह से जो जीव है वो भी जेल में है। कौन सा जेल में है? इस भौतिकी रूपी जेल में है, ये माया रूपी जेल में है, इस अहंकार रूपी जेल में है। आप चाहे सोने के महल में रहो या स्टील के महल में रहो, या आप शीशे के महल में रहो या लोहे के महल में रहो, या लोहे के जेल में रहो, स्टील के जेल में रहो, शीशे के जेल में रहो, या सोने के जेल में रहो, चांदी के जेल में रहो, जेल तो जेल ही होता है, ये बंधन ही होता है। तो आपको कुछ करने का फोर्स, आपके अंदर कुछ करने का अंदर में इंस्पिरेशन, वो वृत्ति, वो एक एनर्जी फोर्स करिए, वो ये क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं बंधन महसूस करते हैं, आप मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए आप चिंताओं में फंसे हुए हैं। पास्ट की चीज़ों को लेकर आपके मन में विचारें चलती रहती है, भविष्य को लेकर चिंताएं आ जाती है, और चिंताएं तो चीता के बराबर होती है। वर्तमान आपके लिए कभी हाथ लगता ही नहीं है। तो इसी को कहा जाता है बंधन, समझ लेना है बंधन, आप मुक्त नहीं हो। जैसे आकाश है, ये भौतिकी आकाश, ये जो आकाश आपको दिख रहा है ये भी भौतिकी आकाश है। ये आकाश जो है, फिर भी ये भौतिकी आकाश अगर हम अपने आंखों से देखते हैं दूर से दूर, तो इसके अंत हमें नहीं मिलता है, और ये आकाश सर्वव्याप्त है। इसी आकाश के अंदर सारे ब्रह्मांड की गतिविधियाँ चल रही है, अंतरिक्ष अनंत ब्रह्मांड है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही काम कर रही है। लेकिन आकाश जो है वो मुक्त है, आकाश में कोई बंधन नहीं है। आकाश मुक्त नहीं होना चाहता, आकाश तो स्थिर है। इसी प्रकार से अगर आपके अंदर कोई भी बंधन है, यहाँ तक कि ये भी बंधन है कि मैं एक दिन मर जाऊँगा, अगर ऐसा विचार आपके अंदर आ गया, ये एक बंधन है। क्यों? क्या बंधन? कि मैं मर जाऊँगा, ये भी एक बंधन है। मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैंने उसको हेल्प किया, मैंने अपने परिवार वालों के लिए बहुत कुछ किया, मैं अपने धर्मों के लिए बहुत कुछ करता हूँ, ये सब बंधन है। मैं करता हूँ यानी कि ये कर्ता भाव है, ये जो मैं है ये बताना चाह रहा है कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने इतने श्रेष्ठ काम किए, मैंने समाज के लिए ये किए, ये जो मैं है ये बताना चाहता है कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया। क्यों बताना चाहता है? कि वो बंधन में है, वो मैं अहंकार है, जो कि वास्तव में वो मैं एक भ्रम है, वो है ही नहीं। अहंकार बस भ्रम ही है, और जो नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो भ्रम है, उसको हमेशा डर लगा हुआ रहता है। किस बात की डर? कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। और जो सत्य है वो तो सदा से है, उसकी तो कोई मृत्यु और जन्म है ही नहीं। जो ब्रह्म है वही चिंतित रहता है, अहंकार है वही चिंतित रहता है। तो यही है बंधन। और जब आप मुक्त हो जाओगे तो ये आकाश नहीं जिसे आपकी इंद्रियां देख रही है, इसके आगे पीछे सर्वत्र फैला हुआ एक परमात्मा रूपी, आत्मा रूपी आकाश, आध्यात्मिक आकाश जो है, जो मुक्त हो जाएंगे, जिसमें समाने के बाद कोई आदि और अंत नहीं मिलेगा। कहाँ से क्या शुरुआत हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, कुछ पता ही नहीं चलेगा, विलीन हो जाओगे उसमें, स्वयं के स्वरूप में आ जाओगे, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, यही तुम्हारी स्वभाव है, अनंत हो जाओगे। उस अनंत में तुम रहोगे नहीं, वो अनंत जो है बस वही रहेगा, तुम्हारा तो बस भ्रम मात्रा ही है अभी।
तो जब तक तुम्हारे अंदर बंधन है, कर्ता भाव है, जब तक मैं मर जाऊंगा, जब तक तुम्हें प्रकृति में किसी लोगों को लेकर कोई शिकायत है, ये सब बंधन है, तब तक मोक्ष है तुम्हारे लिए। मोक्ष मिल गई यानी कि अब तुम्हारे लिए कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी तुलना नहीं है, कोई भी गरीबी और अमीरी को लेकर भी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुक्त हो। तुम्हें अगर कल सड़क पे भीख मांग कर भी खाना पड़ेगा तब भी तुम उदास नहीं होगे। तुम मुक्त हो। तुम्हें कल शूट करने वाले हैं फिर भी तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, क्योंकि तुम्हारे आप शरीर से क्या लेना देना, क्योंकि तुम तो उस अवस्था में पहुंच गए हो कि शरीर से बाहर भीतर अनंत रूप से, अनंत काल से, सदा सदा से जो विद्यमान है, तुम तो उसके साथ हो गए हो और वही हो गए हो। हो ही नहीं तुम, वही है ही। अब ये शरीर में तेरे लिए क्या रखा है? अरे है क्या ये गंदे शरीर में? मरने के बाद एक दिन भी नहीं रखने वाले हैं तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे लवर्स, लव्ड वंस, नोबडी विल कीप यू फॉर जस्ट अ डे। क्योंकि पानी है, मल मूत्र है, हड्डियों के खंभे पे ये सब मांस है, ये सब खड़े हैं, इसमें रखा क्या है? इसके अंदर बाहर विश्व साक्षी रूपी एक परम चेतना है, उसको जानो, उसको जानना पड़ेगा। उसको जैसे ही जानोगे तो उस जानने में मिट जाओगे, और मिट जाने के बाद तुम मुक्त हो गए। अब ना तुम्हारे जन्म मृत्यु है ही नहीं, कुछ नहीं है। शरीर की मृत्यु से भी प्रैक्टिकली तुम्हें कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि तुमने मृत्यु को कभी पा लिया, जीते जी तुमने निर्वाण को पा लिया, मोक्ष को, लिबरेशन को पा लिया। एक अंतिम जो होगी बस ये शरीर के भी डिजोल्यूशन हो जाएगी, सब खत्म। अब तुम्हारे अंदर ये भाव भी नहीं आएगा कि मैं फिर से जन्म लूंगा, ये भाव भी आ गया ना तो तू भी मुक्त नहीं हो। तुम कैसे जन्म लोगे? तुम हो? कभी अपने आप से पूछा कि तुम हो भी? तुम हो ही नहीं, तुम कभी हुए ही नहीं। तुम तो ऐसे ही विचारों को पकड़ रखे हो, एक भ्रम, एक अहंकार, वो जो कह रहा है कि मैं हूं। मैं कैसे हो सकता है? बिना सागर का लहर हो सकता है? सागर के ऊपर में लहर होने के लिए सागर को तो होना पड़ेगा ना। बिना सूर्य का किरणें हो सकती है? किरणों को होने के लिए सूर्य को होना पड़ता है। जल के एक बूंद होने के लिए जल को होना पड़ता है। और तुम उस जल के बूंद, उस संकीर्णता को, तुच्छता को प्राप्त हो गए हो। जैसे यह सृष्टि बनती है, जो आत्मा, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, प्योर रहता है निर्लिप्त अवस्था में, जैसे सृष्टि के संसर्ग में सत्व, रज, तमस, इन तीनों गुणों के संसर्ग में आता है, तो सर्वप्रथम उस चेतना के ऊपर में सत, रजस, तमस का लेप लग जाता है। उस लेप से बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है। उस बुद्धि तत्व से फिर अहम, अहंकार, अहम तत्व, बुद्धि तत्व यानी कि अहम तत्व, फिर अहम तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, पंच तन्मात्राए, पंच महाभूत, इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो चेतना है, इसे प्रकृति के तीन गुणों के संसर्ग में आता है तो जीव भाव को प्राप्त कर लेता है। उसके अंदर में बुद्धि रूपी माया पहले आई, तो तुम्हारी बुद्धि जो है वो भी माया का ही खेल है। वो जो माया है वो पहले पकड़ ली जीव को, पहले फंसा दी, मतलब पिंजड़े में बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि भी माया है, इसलिए बुद्धि से तुम सत्य को नहीं जान पाओगे।
तो पहले सृष्टि जब बन रही थी तो वो जो चेतना है जैसे प्रकृति के तीन गुणों के संसर्ग में आया तो उस चेतना पे जैसे लेप लग गई इन तीनों गुणों का, तो बुद्धि जो तत्व है पहले वो उत्पन्न होती है और वो जीव को फंसा लेती है, और वो बुद्धि के बाद फिर ये सब उत्पन्न होते चले जाते हैं, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, इस तरीका से उत्पन्न हो गए सारे चीज़ और सृष्टि बनती चली गई, और सृष्टि में ना जाने बहुत प्रकार की शक्तियाँ फिर एनर्जीज उत्पन्न होते चले गए जो आज जिस सृष्टि में बैठ के आप मुझे सुन रहे हो। ये जीव के ऊपर में ये सब लेप लग गए, लेप लिपापोती हो गई, जिसके वजह से वो जो जीव है, जो चेतना है, जो आत्मा है, उसके ऊपर में लिपापोती होने के कारण वो अपने स्वरूप को भूल गया और जीव भाव प्राप्त कर लिया, और उसे जीव भाव प्राप्त करने के वजह से उसकी ये जो कारण शरीर सत रजस तमस यही कारण शरीर है, यानी समष्टि माने इसमें उसकी फिर जन्म मृत्यु का चलने लग गया, क्योंकि एक दाग लग गई ना, वो दाग जब तक खत्म नहीं होगी तब तक उसके आगे जन्म मृत्यु की वो चलते रहेगा, जब तक वो विष जल कर खत्म नहीं होगा, जब तक वो विष समाप्त नहीं होगा तब तक ये प्रकृति में उसका अपना आना जाना लगा रहेगा। तो जिस दिन वो कोई गुरु के मार्गदर्शन से, कोई शास्त्रों से, कहीं किसी से भी जब अंतर्मुखी होने लगता है, उसकी जो चेतना बह रही है पंच इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जो चेतना बाहर बह रही है, भाग रही है, भौतिकी जगत जो कि माया जगत ये खींच रही है अपने ऊपर में, अपने नृत्य से अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है, और चेतना भाग रही है, कोई गुरु आके कहता है भीतर की ओर जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, जैसे वो भीतर की ओर एक एक स्टेप जाता है तो उसका लिपापोती जो हुई है वो एक एक स्टेप वो उसका लेयर बाई लेयर हटते चला जाता है, और अंत में वो बुद्धि जो अंत में बुद्धि की जो उसकी ऊपर में लेप लगी थी वो बुद्धि वाली भी लेप हट जाती है और अपने परम स्वरूप में आ जाता है। तब देखता है कि मैं तुच्छता को प्राप्त हो गया था लेकिन मैं तो वो विराट स्वरूप, मेरा तो परम आनंद स्वरूप, सत चित आनंद स्वरूप, सत जो है और जो सत का जो चित है वही आनंद स्वरूप है। अब एक बार उधर पहुंचने के बाद वहां पे मुक्त हो गया, अब ना आपके लिए मृत्यु है, ना मोक्ष है, ना धनी है, ना कोई गरीबी है, ना ये शरीर भी आपके लिए कुछ रखा है,